सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का आगे का प्रकरण नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने ये देखा था कि प्रभाकर लोहारों को काम करते हुए देख रहा था कि वहाँ एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी, हसिया और कुछ औजार पड़े थे। जैसे ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक ये संडासी, तो इनमें से जो कुछ औजार हैं वो खेती के काम आते थे। जैसे हसिया है, ये खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार था उस समय में, और जो कुल्हाड़ी है और संडासी है, संडासी आज भी हम हमारे घरों में किसी वस्तु को, रसोई के अंदर किसी वस्तु को पकड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं, और कुल्हाड़ी से जंगलों को साफ किया जाता था। फिर इसके बाद हमने देखा कि इन औजारों के साथ साथ कि गांवों में कौन से लोग रहते थे और वो क्या करते थे। हमने देखा कि गांवों में बड़े बड़े भूस्वामी रहते थे, साधारण हल चलाने वाले रहते थे, मजदूर थे। इसके साथ साथ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कई शिल्पकार भी रहते थे। फिर हमने देखा गांवों के बाद कि नगरों में, नगर के बारे में हमें कैसे पता चलता है, नगर के जानकारी है जो, नगर के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, प्राचीन शहरों के बारे में, इनकी जानकारियां हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे कि मूर्तिकला से, जो अलग अलग यात्री आते हैं उन यात्रियों के विवरण से, कहानियों से, सिक्कों से, पुरातत्व से आदि से हमें नगरों के बारे में पता चलता है। फिर आज हम पढ़ेंगे कि जो नगर हैं वो कई गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं। इसके साथ साथ आज हम ऐसे ही एक नगर मथुरा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, जैसे कि मानचित्र 7 में पृष्ठ 105 पर मथुरा को देखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले इसी मानचित्र को, और इस मानचित्र में मथुरा कहाँ स्थित है। तो ये देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे, ये मथुरा है। तो चलिए मथुरा के बारे में पढ़ते हैं कि यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय के एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्यों रहा? क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर यह स्थित था। इनमें से एक रास्ता तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। तो देखिए मानचित्र में देख लेते हैं थोड़ा सा कि उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे ये उत्तर और पश्चिम है तो इसके बीच से ऐसे उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने के लिए ये रास्ता था, तब मथुरा बीच में आता था। और एक ऐसे ही अगर हम उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं तब भी ये मथुरा यहाँ पर बीच में आता है। तो इसलिए मथुरा है वो एक महत्वपूर्ण शहर था, नगर था। तो इस शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें कई मंदिर भी थे। आसपास के किसान, पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, और इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो कुषाणों की पहली राजधानी थी वो पेशावर थी। कौन सी थी? पेशावर। और दूसरी राजधानी थी मथुरा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। जैसे हमें पता ही है कि आज जैसे मथुरा है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल भी है। तो यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं, और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और आज भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं, और आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख होते हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यानी कि मंदिर में, मठ में जो भी व्यक्ति दान देते हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, उनके बारे में जानकारी मिलती है इन अभिलेखों के द्वारा।
तो प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी या शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। इसके बाद नीचे दो प्रश्न, एक प्रश्न है कि मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाइए और एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताइए जो हड़प्पा में नहीं था। तो देखिए कि मथुरा के जो लोग थे वो कौन कौन सा व्यवसाय करते थे। तो वो सुनार का कार्य करते थे, लोहार का कार्य करते थे, बुनकर का कार्य करते थे, टोकरी बनाने का काम करते थे, माला बनाते थे, इत्र बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, इसके अलावा मठ, मंदिर और इमारतें बनाते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, इस तरह के बहुत से काम करते थे। अब बात है कि इनमें से हड़प्पा में कौन सा कार्य नहीं होता था। तो हड़प्पा में लोहार का कार्य नहीं होता था क्योंकि उस समय तक लोहे की कोई भी खोज नहीं हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। तो उससे पहले हम देखते हैं उत्तरी काले चमके पात्र। तो ये एक कठोर और चाक निर्मित यानी मिट्टी से बने हुए धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। यानी होते तो ये मिट्टी के हैं लेकिन दिखते कैसे हैं, जैसे किसी धातु के बने हों, जैसे टिन के या लोहे के, और ये काली सतह के होते हैं और खूब चमकदार होते हैं, इसीलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर यानी बहुत ज़्यादा गर्मी में रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। यानी ये खूब चमकीले बर्तन होते थे। अब हम बात करते हैं शिल्प तथा शिल्पकार की कि पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने भी मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। अब इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे और यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे। संघ यानी समूह या ग्रुप बनाने लगे और इन संघों को श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। तो जो शिल्पकारों की जो श्रेणी थी, उनका जो संघ था, उनके ये तीन काम होते थे। एक तो वो ट्रेनिंग देते थे, एक किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो कच्चा सामग्री चाहिए उसे वो उसे उपलब्ध करवाते थे और फिर जब माल बन जाता तो उसका वो वितरण करते थे। जबकि व्यापारियों का जो समूह था, व्यापारियों की जो श्रेणी थी, वो व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम भी करती थी जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। तो जैसे देखिए कि आपको याद होगा, हम अभी भी देखते हैं जैसे वर्तमान में जो हमारे बैंक का जो काम है बिल्कुल वो इन्हीं श्रेणियों का काम होता था कि हम बैंक में अपना पैसा है वो सुरक्षित रख सकते हैं और बदले में हमें ब्याज भी मिलता है। तो इस तरह से कुछ हिस्सा है वो जमा करने वालों को लौटा भी दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं सूत कातने और बुनने के नियम। तो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था सम्राट अशोक के बारे में कि मौर्य वंश की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। चाणक्य एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने ही ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें वर्णन किया गया है कि किसी प्रकार
एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई भी की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन, इनको तैयार करने के काम में विधवा महिलाएं, सक्षम और अक्षम महिलाएं, भिखुनियों, वृद्धावेशाओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। यानी कि ये सारी महिलाएं इन कार्यों को करती थी। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था और वहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सारे नियम हैं और ये नियम सूत कातने और बनाने के नियम हैं जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा और इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अब देखिए कि नीचे दो प्रश्न हैं कि उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जैसे विधवाएं हैं, सक्षम और अक्षम महिलाएं, भिखुनियाँ, वृद्धावेशाएँ, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को निरीक्षक है वो नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? तो हाँ, ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी औरत से अपना काम पूरा नहीं हो पाता था तो उसे जुर्माना देना पड़ता था और कभी कभी जुर्माने के रूप में उस औरत का अंगूठा भी काट लिया जाता था। तो देखिए कितनी मुश्किलें महिलाओं को झेलनी पड़ती थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेड़ू। अब ये अरिका मेड़ू कहाँ है? तो चलिए मानचित्र 7 में सबसे पहले हम अरिका मेड़ू को ही देखते हैं। तो ये देखिए, अरिका मेड़ू आपको यहाँ इसमें दिखाई देगा, बिल्कुल नीचे की तरफ, ये यहाँ पे महाबलीपुरम के नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दक्षिण भारत में आपको दिखाई देगा अरिका मेड़ू। तो चलिए अब हम अरिका मेड़ू के बारे में पढ़ते हैं कि पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़िए। तो हम रोम के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले अरिका मेड़ू के बारे में पढ़ लेते हैं। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेड़ू एक पत्तन था। पत्तन वो होता है जैसे जो समुद्र का किनारा होता है जहाँ बड़े बड़े जहाज आकर खड़े होते हैं और उन जहाज़ों से माल उतारा जाता है। तो अरिका मेड़ू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना हुआ एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। अब इन पात्रों में शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे और इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुए थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे हुए लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं और इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। यानी इटली के अंदर एक शहर है एरेटाइन और उसी शहर के नाम पर इन पात्रों का नाम भी रखा गया है। तो इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। और कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे बनाए हुए यहीं के थे, अरिका मेड़ू के। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। मनके यानी मोती, छोटे छोटे मोती और उनसे माला वगैरह बनाना, इन सब के साक्ष्य मिले हैं। तो ये देखिए, यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि अभिलेखित मिट्टी के ये बर्तन हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं।
प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि नीचे यहाँ एक प्रश्न है कि रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाइए, कि रोम के साथ अरिका मेडू के क्या संबंध थे। तो ये देखिए कि इससे पहले अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि जैसे एक तो एम्फेरो जैसे पात्र मिले हैं, तो एम्फोरा जैसे पात्र मिलना, एक हमने देखा एरेटाइन जैसे मोहर लगे हुए लाल चमकदार बर्तन मिले हैं, और दूसरा हमने ये पढ़ा कि रोम के डिज़ाइन वाले बर्तन जो बनाए यहाँ जाते थे, डिज़ाइन रोम का था और बनाए इसमें जाते थे। इसके अलावा रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन, रतन, ये सब चीज़ें मिली है। तो इनसे हमें ये पता लगता है कि अरिका मेडू और रोम के बीच में संबंध थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में कि मानचित्र 6 में रोम को ढूंढिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसी मानचित्र को ही देखते हैं कि रोम साम्राज्य है कहाँ। तो ये देखिए, आप जब इस मानचित्र को देखेंगे, ये हमने मानचित्र पहले भी देखा था अध्याय 7 में, ये रहा इधर, ये रोम साम्राज्य है सर यहाँ पर ऐसे, है ना। तो चलिए अब हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, यानी यूरोप में काफ़ी शहर हैं और उनमें से सबसे पुराना शहर है रोम। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, यानी हमारे भारत में जब गंगा के आसपास में शहर बस रहे थे तभी रोम का विकास हुआ था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से ऑगस्टस एक ये महत्वपूर्ण शासक था रोम का। इसने करीब 2000 साल पहले शासन किया था और उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, संगमरमर यानी पत्थर से बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल यानी एम्फीथिएटर बनवाए, इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। जैसे आपने देखा होगा टीवी में या खुद जा कर के, जैसे जहाँ मैच होते हैं तो वहाँ दर्शक बैठे होते हैं, सीढ़ी नुमा जगह बनी होती है, तो इस तरह से उन्होंने एम्फीथिएटर बनाए। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियाँ और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे, यानी वहाँ स्त्रियाँ अलग समय पर स्नान करती थी और जो पुरुष हैं वो अलग अलग समय पर स्नान करते थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम भी करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी अक्वाडक्ट के जरिए शहरों के स्नानागार, फव्वारे और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये देखिए आपको चित्र में एक दिखाई भी दे रहा है, एक्वाडक्ट बना हुआ है जिसमें यहाँ से यूँ पानी आता था। तो नीचे एक प्रश्न है कि ये बड़े खुले रंगमंडल, एम्फीथिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे, यानी कि ये क्यों नष्ट नहीं हुए। तो देखिए कि जो ये बड़े खुले रंगमंडल हैं जिन्हें एम्फीथिएटर कहा गया और जलवाही सेतु है, वो ईंटों की मजबूत चिनाई करके बनाए गए थे और इनकी जो इंजीनियरिंग थी वो बड़ी ही बढ़िया थी, कमाल की थी। इनकी देखरेख और संरक्षण भी भली प्रकार से होता था, इसीलिए इतने दिनों तक शायद बचे रहे होंगे। तो इस तरह से हमने इस पाठ में विभिन्न नगरों के बारे में पढ़ा, गांवों के बारे में पढ़ा कि अगर गांव हैं वो खुशहाल होंगे और तभी शहर हैं वो समृद्ध होंगे, क्योंकि अगर खुशहाल गांव नहीं है तो राजा नहीं है, और गांवों के बिना राजा और राजा के कोई भी राज्य नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।